गाइज़ वेलकम बैक टू द अनदर ब्लॉग। आज हम अकेले नहीं बल्कि पेरेंट्स भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं, यानी कि हमारे साथ जा रहे हैं। और अभी हम पहुंचे हैं नंगल में, जो कि रोपड़ पे पड़ता है। और ये गुरुद्वारा साहिब हैं, बिभौर साहिब, जहाँ पे श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने चौपाई साहिब की संरचना की थी। बहुत ही विशाल और प्रसिद्ध गुरुद्वारा है। और ये बिल्कुल आप उस साइड देखोगे तो पहाड़ियों का बिल्कुल एंड होता है, एज पे है ये शिवालिक पहाड़ियों की रेंज के साथ। और निशान साहिब की हाइट देखो, कितनी ज़्यादा हाइट है। यहाँ का लास्ट व्लॉग आपने देखा होगा, बट इस बार पेरेंट्स साथ थे तो हमने सोचा कि चलो इनको भी यहाँ के दर्शन करवाते हैं। इस गुरुद्वारे की मुझे खास बात ये लगती है कि ये सतलुज के बिल्कुल किनारे पे है, और यहाँ से आप देखिए कितना मनमोहक दृश्य दिखाई देता है। और इसके बिल्कुल नीचे जो नंगल हम क्रॉस करते हैं, और यहाँ से डिफरेंट डिफरेंट जो नहरें हैं, रिवर्स छोटी छोटी बनाई हुई हैं और डाइवर्ट की हुई हैं, उसके जस्ट ऊपर है ये। और ये एक्चुअली दिखाई नहीं देता वहाँ से, तो मैं अचानक एक बार बीच से गुजर रहा था तो नज़र पड़ी, और हमने सोचा कि बाहर की दीवारें ही दिखती हैं जब हम क्रॉस करते हैं। सो नज़र पड़ी और हम गए आगे तो देखा कि इतना विशाल भव्य गुरुद्वारा है। और बाद में ही पता चला कि ये बिभौर साहिब है, और यहाँ पे ही श्री गुरु गोविंद सिंह साहिब जी ने चौपाई साहिब की संरचना करके उसको संगतों को सौंपा था। और यहाँ का इतिहास ये भी है कि गुरु गोविंद सिंह को यहाँ के राजा जी ने आमंत्रित किया था, और उनके बुलाने पर वो कुछ दिन यहाँ रुके थे। तो आगे चल के अभी हम पहुँचने वाले हैं अपने घर यानी कि पिंजौर में, और उसके बाद हम कल फतेहगढ़ साहिब की ओर जाएंगे और उस साइड जितने भी गुरुद्वारा पड़ते हैं वहाँ सारे दर्शन करेंगे और पेरेंट्स को भी साथ में घुमाने वाले हैं। सो आप भी बने रहिए, पर सबसे पहले यहाँ से निकलते हैं और जूस पी लेते हैं, क्योंकि हमने गन्ने अपनी गाड़ी की डिक्की में ही डाले हुए थे जो हम गुरदासपुर से अपनी सारी जी के घर से लेके आए थे। हमने देखिए पूरा ताम झाम सेट कर लिया है, और फादर साहब जो हैं वो गन्ने की बाल्टी लगा के नीचे, और मैं तो गिलास लेके खड़ा हूँ कि कब पीते हैं। रियली दे वर वेरी कोऑपरेटिंग। और यस, ऐसा ही होता था बचपन में, हम जब छोटे होते थे तो गांव में लोग स्पेशल गन्ने का जूस जब निकालते थे, गुड़ निकालते थे, सबको आमंत्रित किया जाता था कि आओ वहाँ पे और जूस पियो, और दो दो तीन तीन गिलास पूरा पेट भर के जूस पीते थे। तो ये है जी सबसे फेवरेट जगह जहाँ हम रहते हैं। इधर हो जाओ थोड़े, ये बिल्कुल हमारे घर से पास में ही पड़ता है, 2-3 किलोमीटर की दूरी पर। जो भी हमारे पास आता है यहाँ पे हम जरूर लेके जाते हैं। यहाँ पास में ही एक मंदिर है, वहाँ के भी हम दर्शन करते हैं, और वहाँ से हमारा ये सारा एरिया जहाँ पे हम रहते हैं वो पूरा दिखाई पड़ता है। और इसके आगे पूरा जंगल है, और जंगल क्रॉस करके आगे फिर चंडीगढ़ स्टार्ट हो जाता है। शाम को घूमना यहाँ काफ़ी अच्छा लगता है, और मोर काफ़ी देखने को मिल जाते हैं यहाँ पे पास में, बिल्कुल आपको देखने को मिल जाएंगे। यहाँ से ये घर ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं अपना, तो शायद इनको नहीं मिल रहा है यहाँ से। देखो पूरा जैसे पत्ते, जैसे कागज़ बिखरे होते हैं ना, वैसा दिखाई दे रहा है पूरे का पूरा वैसा। बट ये कोशिश कर रहे हैं कि जो घर है वो ढूंढा जाएगी, हम कहाँ पे रह रहे हैं। हाँ, तो मैं बात कर रहा था मोर की, काफ़ी सारे मोर आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। चलो मैं कोशिश करता हूँ आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, उनके पास जाने की कोशिश करता हूँ। वो देखो, वो देखो, वो एक मोर मिला है वहाँ पे, देखो ये देखो। मैं इसके पास जाने की कोशिश करता हूँ, अगर ये नहीं भागता है तो। वो देखो चला गया। यहाँ पे देखो कितने सारे, वो देखो कितने सारे मोर हैं। ओह माय गॉड, ये देखो। चलो आओ मैं आपको मोर दिखाने की कोशिश करता हूँ बिल्कुल पास से। वो देखो, वो देखो, वो सामने दिख रहा है, कितने सारे हैं वहाँ उस साइड आप देखोगे। सो इस तरीके से काफ़ी सारे मोर होते हैं यहाँ पे, अगर शाम को आप जाओ तो आपको मिल जाएंगे। तो ये था यहाँ का, अब चलो आगे चलते हैं और आगे का आपको दिखाते हैं। मैं ऊपर से गाड़ी लेके धीरे धीरे चल रहा हूँ, क्योंकि रास्ता जो है एकदम खराब वाला है, खराब थोड़ा चल के जाते हैं। सो मैं इनके पीछे पीछे गाड़ी लेके चल रहा हूँ, और ये आगे आगे चल रहे हैं, और इनको कुछ यहाँ पे ना पोचा मिल गया है। ये क्या है? पोचा, जो अपना चूल्हा होता है उसको पोताई की जाती है इससे। ओके चलो, वेरी गुड, अच्छी डिस्कवरी की आप लोगों ने। ये देखो यहाँ पे भी काफ़ी अच्छा साइट सीन है। इस साइड देखो आप, इधर से आ जाओ, नीचे आ जाओ सारे, और इस साइड मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ किसी ने घर बनाया, बहुत ही ऑसम लोकेशन पे रहे, क्योंकि मैंने ऊपर से जो व्यू आपको दिखाया यहाँ से वो सारे दिखते हैं। जिस साइड हम रहते हैं उधर का ऊपर पहाड़ों का कसौली टिम्बर ट्रेल और ये परवाणू वाली साइड सारी यहाँ से दिखती है।
और जिया इस साइड जा रही है, मैं आपको दिखाता हूँ। इधर बिल्कुल झील है, यहाँ पे बिल्कुल आगे एक तालाब जैसा है, मतलब हमारे गांव के लैंग्वेज में तो तालाब ही बोलते हैं, बट यहाँ के हिसाब से ये झील है, काफ़ी अच्छी यहाँ का भी व्यू दिखता है, ये दिखा देता हूँ मैं आपको। तो ये था पिछले कल का, और आज हम जा रहे हैं फतेहगढ़ साहिब में माथा टेकने के लिए। सब तैयार हो चुके हैं और दादाजी गए हैं बच्चों को लेने के लिए स्कूल से, क्योंकि वो अपना ज़्यादातर टाइम पास करने के लिए ऐसी एक्टिविटीज़ ढूंढते रहते हैं ताकि उनका टाइम भी पास हो जाए और बॉडी की थोड़ी कसरत भी हो जाए। तो चलो फिर चलें, तैयार हो गए सारे, चलो चलो निकलो निकलो जल्दी, अब हो गया टाइम, हो रहा है लेट हो जाएंगे आगे। ये क्या है, गन्ने का रस है? गन्ने का रस। आज सब सारे हैप्पी हैं क्योंकि घूमने के लिए जा रहे हैं। तो अभी हम पहुंचे हैं जी शीश महल गुरुद्वारा साहिब में, जो कि सिसवां से थोड़ा सा पीछे है, यानी कि बद्दी से लगभग 8-10 किलोमीटर आगे और चंडीगढ़ से 20 किलोमीटर की दूरी पर। ये बहुत ही बड़ा गुरुद्वारा साहिब है और इसके आसपास में जनसंख्या, यानी कि लोगों के घर वगैरह भी नहीं हैं, ज़्यादातर यहाँ पर लोगों के फार्म हाउस हैं। सो बहुत ही सुंदर प्लेस पे है ये गुरुद्वारा साहिब। और इस साइड अगर मैं दिखाऊँ तो माता साहिब का और लंगर हॉल है, यहाँ पर लंगर बताया जाता है गुरु का। सो अगला गुरुद्वारा साहिब है हमारा टिब्बी साहिब, जैसे कि आप देख पा रहे हैं आगे दरिया है और दरिया के बिल्कुल किनारे पे है, और ये है वो जीप जिसको लेके बाबा जी एक बहुत बड़ा जो हार्ड आया हुआ था उसको भी क्रॉस कर गए थे। सो बहुत ही बड़ा ऐतिहासिक गुरुद्वारा है जो रोपड़ में पड़ता है, रोपड़ में ये गुरुद्वारा स्थित है और ऐतिहासिक गुरुद्वारा है जिसके अभी आप दर्शन कर रहे हो। हमने भी यहाँ पे माथा टेका, पेरेंट्स के साथ घूमे और इतिहास के बारे में जाना, और जो जीप की कार की मैंने वो फोटो दिखाई, ये उस टाइम की कार है जिसको लेके उन्होंने इस दरिया को, बाबा जी ने इस दरिया को क्रॉस कर दिया था। नेक्स्ट अब हम पहुँचे हैं सहेड़ी में, और यहाँ पे दो ऐतिहासिक प्लेस हैं। एक तो गंगू का जो घर है वो सामने दिखाई दे रहा है, जहाँ पे चार साहिबजादे में से जो छोटे साहिबजादे थे यहाँ इस रूम में एक रात रुके थे वो, और अगले दिन उनको फिर फतेहगढ़ साहिब की ओर ले जाया गया था। और चार साहिबजादों को पकड़वाने की जो रकम कह सकते हैं या जो धन मिला था गंगू को, वो इस जगह पे दबाया था गंगू ने, और उसके बाद ये वो रथ हैं जहाँ से साहिबजादों को तैयार करके आगे लेके गए थे। वो कहावत यहाँ पे सच होती है कि घर का बेदी लंका ढाए, तो गंगू जो था वो गुरु साहिब के घर में रसोईया था, तो घर के सारे भेद जानता था, इसीलिए उसने ये काम किया। इन दोनों स्थानों पर ही गुरुद्वारा बने हुए हैं, बट इनको ज़्यादा सजाया नहीं है, मात्र एक चिन्ह के तौर पर इनको बनाया गया है। सो अब हो चुकी है शाम, घर से लगभग हम अपने घर से 300 किलोमीटर की दूरी पर हैं, और ये हमारे मामा जी के बेटे का घर है। रात को हम यहाँ रुके और अब सुबह का समय है, अब इनको हम बाय बाय करके आगे फतेहगढ़ साहिब की ओर रवाना होने वाले हैं। तो ये अभी जो दर्शन आप कर रहे हैं, ये फतेहगढ़ साहिब के गुरुद्वारा साहिब के दर्शन आप अभी कर रहे हो। बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह का ये शहीदी स्थान है। अभी आगे चल के हम दर्शन करेंगे ठंडे बुर्ज के, जहाँ पे छोटे साहिबजादों को उनकी दादी के साथ बुर्ज के ऊपर रखा गया था, बंदी बना के रखा गया था। ये है वो बुर्ज, और ठंडी हवाएं चलती थी, उनको कष्ट दिए जाते थे ताकि वो धर्म को चेंज कर लें और वज़ीर खान की बात मान जाएं। तो इसके बाद जो अभी आप दर्शन कर रहे हो, ये ज्योति स्वरूप गुरुद्वारा साहिब के हैं, जो फतेहगढ़ का जो मेन गुरुद्वारा है उससे लगभग 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है। ये वो स्थान है जहाँ पर छोटे साहिबजादों की चिताओं का संस्कार किया गया था। श्री टोडरमल जी ने यहाँ जो जगह ये खरीदी थी, वो सोने की मोहरों को खड़े करके कंडीशन रखी थी कि अगर आप साहिबजादों का संस्कार करना चाहते हैं तो आपको जो सोने की मोहरें हैं वो खड़ी करके लगानी पड़ेंगी, और जितनी जगह पे आप मोहरें बिछा दोगे वो जगह आपकी हो जाएगी। तो टोडरमल जी ने इस जगह को इस तरीके से ख़रीदा था, और आज भी ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है, लिखित है कि सबसे महंगी बिकने वाली फतेहगढ़ की ये सर जमीन जो है यहाँ पे गुरुद्वारा श्री ज्योति स्वरूप साहिब है। इसके बाद पहुँचे हम मोती मेहरा गुरुद्वारा साहिब में, जहाँ पे वो दो गिलास रखे हुए हैं जिनके साथ छोटे साहिबजादों को दूध पिलाया जाता था, तो वो इस गुरुद्वारा में आज भी स्थित हैं। इसके बाद दर्शन किए हमने चमकौर में श्री कतलगढ़ साहिब के, और यही वो चमकौर की धरती है जहाँ पे हमारे जो बड़े साहिबजादे थे वो शहीद हुए थे, हमारे पांच प्यारे, जैसे कि भाई दया सिंह जी, धर्म सिंह जी, मोहकम सिंह जी, हिम्मत सिंह जी और साहिब सिंह जी, वो सारे भी यहीं पे शहीद हुए थे। ऊपर अभी हम गढ़ी में भी जाएंगे, गढ़ी मतलब एक हवेली थी जो यहाँ के चीफ थे उनसे
गुरु गोविंद सिंह जी ने रिक्वेस्ट की थी रात को यहाँ रुकने की, बट उन्होंने मना किया, बट उनके जो यंगर ब्रदर थे वो अलाउ किया और गुरु साहिब यहाँ पे अपनी सिख फौजों के साथ रात में रुके थे। तो ये पूरा ऊपर का व्यू देखिए बनाया हुआ है, मॉडल जो घड़ी का पूरा नक्शा है उसके हिसाब से एक छोटा मॉडल बनाया हुआ है। सो दोस्तों यही था हमारा 2022 का सबसे यादगार ट्रिप जो हमने अपने पेरेंट्स के साथ किया, और इतने सारे जो हिस्टोरिकल गुरुद्वारा हैं हमारे उनके दर्शन किए, और उम्मीद करता हूँ कि आपने भी दर्शन किए होंगे थ्रू दिस वीडियो फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड। और इस टूर की ख़ास बात मेरे लिए ये रही कि मैं हर चीज़ को, हर गुरुद्वारे को, हर स्थान को, उसकी हिस्ट्री को अच्छे से जान पाया ताकि मैं आपको बता सकूं। और अभी टाइम आ गया वीडियो को वाइंड अप करने का। तो कहीं भी जाते हैं हम या गुरुद्वारा या किसी भी स्थान में जाते हैं तो एक मेमोरीज़ के लिए कुछ वहां से परचेज़ करते हैं। तो यहां पे अभी हम गढ़ी साहब में हैं, ऊपर गुरुद्वारा है चमकौर साहिब में। सो जो मदर हैं वो बोल रही हैं कि यहाँ से कुछ बर्तन ख़रीदने हैं, तो कुछ बर्तन हम यहाँ से परचेज़ करेंगे जो कि हमें, मतलब यहाँ की यादगार, कभी भी हम उन बर्तन को यूज़ करेंगे तो यहाँ की याद दिलाएंगे, या फिर हम अपने जो नियर एंड डियर होते हैं उनको बता पाएंगे कि ये बर्तन हमने वहाँ से ख़रीदे थे। सो वो परचेज़ करेंगे, उसके बाद हम क्लोज़ करने वाले हैं ये वीडियो। और 2022 का ये सबसे मेमोरेबल टूर रहेगा बिकॉज हमने अपने पेरेंट्स के साथ इतने सारे हिस्टोरिकल गुरुद्वारास को कवर किया, दर्शन किए, उनके बारे में जाना। यही था आज का वीडियो, मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक।